तुमने अब तक कई सारे रिव्यूज देख लिए होंगे, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मंगलमय MIMT मंगलमय कॉलेज। कई कैंपस रिव्यू भी देखा होगा। सब अच्छा यहाँ बताते हैं मंगलमय का, बट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या तुमको मंगलमय से MBA या MBA++ करना चाहिए या नहीं। प्लेसमेंट्स का कितना बुरा हाल है, क्या प्रॉब्लम्स है मंगलमय कॉलेज में, क्या मंगलमय एक थर्ड क्लास कॉलेज है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या MBA++ करना भी चाहिए या नहीं, ये होता क्या है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मंगलमय 20 साल से भी ज्यादा पुराना कॉलेज है। इनका एफिलिएशन है AKTU से। अप्रूवल इनको AICTE के थ्रू मिला हुआ है एंड NBA एक्रेडिटेड है, NAC A ग्रेड मिला है, मतलब लगभग सारे अप्रूवल्स है इनके पास। बहुत बड़ा कैंपस नहीं है इनके पास, अराउंड ओनली 6 acres का है, लेकिन काफी मेंटेन करके रखते हैं। इन्हें रैंकिंग मिला है 38 टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेजमेंट के लिए, लेकिन NIRF रैंकिंग नहीं मिला है। MBA फीस है यहाँ पे 2,80,000 और MBA++ का फीस है 4,80,000 और हॉस्टल फी अराउंड 95,000 पर ईयर तुमको लग जाएगा। यहाँ पे कई तरह के स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जैसे पहला आशीर्वाद स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के अंडर में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को मिनिमम फीस में कॉलेज कंप्लीट कराया जाता है। सेकंड, बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परसेंटेज। थर्ड, आशीर्वाद 2 स्कॉलरशिप, जिसके अंडर में जिस स्टूडेंट का पेरेंट्स आर्म फोर्सेज में है उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। यहाँ एडमिशन लेना टफ नहीं है यार, बस ग्रेजुएशन में तुम्हारे पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और यहाँ पे इंट्रांस एग्जाम CAT, MAT, ZAT, CMAT एक्सेप्टेड है। अगर इंट्रांस एग्जाम नहीं भी दियो तो कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे इनका खुद का टेस्ट है, वो दोगे, उसके बाद एडमिशन डन, दैट्स इट। यहाँ प्लेसमेंट रेट अराउंड 90% है और इन्होंने इसको मेंटेन रखा है, जो अच्छी बात है। हाईएस्ट पैकेज लगा था 37 LPA, एवरेज प्लेसमेंट 3.5 to 4.5 LPA तक लग जाता है और इनका कई सारे इंडस्ट्रीज के साथ कॉलेब है और सबसे इम्पोर्टेंट ये AKTU का जर्नल सेंटर है, इसके वजह से यहाँ पे जॉब फेयर्स होते रहते हैं, कई सारी बड़े बड़े कंपनीज आती है, MNCs भी आती है। ओवर द ईयर्स MIMT में 8,000+ कंपनीज आ चुकी है और उसमें से जो कुछ टॉप कंपनीज था मैं नाम बताता हूँ, HDFC, Amazon, Calvin Klein, Vivo, जारो एडुकेशन, और ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स से हैं, जैसे FMCG, कंसल्टिंग, IT, BFSI। तो ये था यार यहाँ का प्लेसमेंट का हाल, और प्लेसमेंट अश्योरेंस भी देती है मंगलमय MBA++ में, जो एक अच्छी चीज है। हॉस्टल कैंपस के अंदर में ही है और यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है विद कंप्लीट फैसिलिटीज, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट है, कोई इश्यू होगा नहीं। एंड हॉस्टल यार बहुत बड़ा नहीं है बट फैसिलिटीज अवेलेबल है। सबसे पहला यार मंगलमय में स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस है, क्योंकि 20 साल से भी ज्यादा पुराना कॉलेज है तो इतना एलुमनाई तो होना ही चाहिए। सो तुमको नेटवर्क बनाने में या सीनियर से कांटेक्ट करने में इजी रहेगा। एंड अगर तुमको MBA ही करना है तो डेफिनेटली MBA++ को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल MBA के कंपेरिजन में MBA++ में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराया जाता है, कई सारे इंडस्ट्री रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस होते हैं जो PGDM के लेवल का होता है, और तुमको पता ही होगा कि PGDM का फीस थोड़ा हाई होता है, लेकिन MBA++ का फीस नॉर्मल ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, PGDM और MBA++ में बस इतना सा फर्क है कि PGDM डिप्लोमा है, MBA++ एक डिग्री ही है। सो अगर PG के बाद गवर्नमेंट में भी जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब्स में, तो MBA++ ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ROI भी बढ़िया है फीस के कंपैरिजन में एंड फैकल्टीज यहाँ पे तुमको काफी सपोर्टिव मिलेगा, क्योंकि बैच छोटा है इसके वजह से फोकस स्टडी ज्यादा बेटर होता है। एंड ऑब्वियसली यार NBA एक्रेडिटेड है और NAC A ग्रेड मिला है, जो जबरदस्त है। और प्लेसमेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, इनके पास इंडस्ट्री क्लब बहुत स्ट्रांग है, बहुत कंपनीज विजिट करती है मंगलमय में, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट एक्सपोजर बहुत बढ़िया मिलता है। एंड इंफ्रा इनका बहुत ह्यूज नहीं है लेकिन मेंटेन रखती है कैंपस को, सो तुमको कैंपस लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होने वाला है। एंड यस यार, ऑब्वियसली मंगलमय कोई इंडिया का टॉप भी स्कूल नहीं है, बट अगर तुमको दिल्ली NCR में पढ़ना है, नोएडा में पढ़ना है, तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है MBA के लिए। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट MIMT का, यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस तुमको नहीं मिलता है। यस, क्राउडी कैंपस है एंड अगर तुमको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मतलब स्पोर्टी पर्सन है, तो डेफिनेटली ये कैंपस तुम्हारे लिए है नहीं, क्योंकि फैसिलिटीज स्पोर्ट्स को लेकर ज़्यादा टॉप नॉच का नहीं है। एंड काफ़ी एकेडमिक प्रेशर भी देती है कॉलेज, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात हो सकता है और कई सारे स्टूडेंट्स के लिए टेंशन की बात। तुम किस तरह का स्टूडेंट हो ये डिपेंड करता है। एंड फैकल्टी चेंजेस में भी कई सारे इश्यूज हैं, बट ओवरऑल इट्स अ गुड कॉलेज।
ऑब्वियसली यार यहाँ पे टू टाइप का MBA करा जाता है, नॉर्मल MBA एंड MBA प्लस प्लस। एंड स्पेशलाइजेशंस हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT, इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है यार यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेकर, लेकिन कुछ गेम्स अवेलेबल है, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन, क्रिकेट, दैट्स इट। स्पोर्ट्स के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी या बैनर यूनिवर्सिटी सबसे बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे यार मैनेजमेंट के लिए क्लब्स ना के बराबर है, लेकिन कोलैब और टाइप कई सारे हैं। इनका कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैब है, हंगरी और USA में। एंड IIM बैंगलोर से सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है यहाँ के स्टूडेंट्स को, जो अच्छी चीज है। और इनका कई कंपनीज के साथ MOUs भी है प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए, जैसे एडू स्किल्स, कैप्सूल लैब्स, और सबसे इम्पोर्टेंट 20+ इंडस्ट्री ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है मंगल में। और इसमें से जितना सर्टिफिकेशन तुम कर सकते हो वो तुम्हारे CV में वैल्यू एड करेगा। और मंगल में कई सारी इंडस्ट्रियल विजिट्स, वर्कशॉप, गेस्ट लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराती है। मेरा ओपिनियन जानने से पहले अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है किसी टॉप कॉलेज को लेकर या फिर इस कॉलेज को लेकर, या अपने करियर से रिलेटेड क्वेरीज है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। अब आते हैं टॉपिक पे। देखो यार अगेन बोलूंगा, ये कोई इंडिया का टॉप बी स्कूल नहीं है, ये एक नॉर्मल MBA कॉलेज है। अगर तुमको दिल्ली NCR में पढ़ाई करना है, तुम्हारे पास अच्छा स्कोर नहीं आया है और बजट भी उस लेवल का नहीं है, लेकिन एक ऐसा कॉलेज चाहते हो जहाँ पे पढ़ाई करने के बाद एक जॉब जरूर लेगे, तो डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हो। यहाँ तुमको सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल मिलेंगे। एंड यार अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार। यहाँ पे तुमको कई सारे वीडियोस मिलेंगे जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।